यूपी के आगरा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बदहाली की खबर सामने आई। यहाँ बिजली नहीं होने की वजह से 3 बच्चों की मौत के आरोप लगे। हादसे के बाद बच्चों के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। एक डर ने इन्हें खुले आसमान के नीचे बच्चों को गोद में लेकर रात गुजारने पर मजबूर कर दिया है। ये डर है अस्पताल की बद इंतजामी का। अभी अभी आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में 3 बच्चों की मौत की खबर आई है। यही वजह है कि यहाँ इलाज कराने आए लोगों को अपने बच्चों की फिक्र सता रही है। जिस वक्त की ये तस्वीरें हैं, उस वक्त भी अस्पताल में बिजली नहीं थी। इसलिए बैठे हैं कि सर कोई नहीं, लाइट बिल्कुल ही नहीं है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। 3 बच्चे तो यहाँ खत्म हो चुके हैं सर। इसमें 11 बजे से लाइट गई हुई है। आईसीयू में बच्चे थे, उसमें कोई लाइट जनरेटर व्यवस्था कुछ नहीं है, तो अब बच्चों को बाहर लेके आ गए गर्मी की वजह से। डॉक्टर वगैरह सब भाग गए, कोई डॉक्टर नहीं है। बताया जा रहा है कि एसएन मेडिकल कॉलेज में बिजली ना होने से यहाँ के बाल विभाग में गर्मी इतनी हो गई कि 3 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों को साख बचानी है, अपनी भी और अस्पताल की भी। यही वजह है कि वो मौत की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के दावों की जिला प्रशासन ने हवा निकाल दी। मौके पर जांच के लिए पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट रेखा चौहान ने भी तहकीकात में यही पाया कि बच्चों की मौत अस्पताल की लापरवाही से ही हुई है। बच्चा वार्ड है, यहाँ पर ये लापरवाही बहुत आपत्तिजनक है कि जनरेटर खराब क्यों था। जनरेटर खराब होना और लाइट मतलब रात से अगर वेंटिलेटर पर जो बच्चे रहे होंगे उनका क्या हाल होगा। अगर हैरानी है कि इतने बड़े अस्पताल में बिजली की ऐसी कमी हो गई कि बच्चों की जान पर बनाई। जाहिर है इसमें लापरवाही अस्पताल प्रशासन की है। सिटी मजिस्ट्रेट और आगरा के सीएमओ की जांच की उंगली भी अब अस्पताल की तरफ ही उठी है। अंकुर कमारिया, आगरा, इंडिया टीवी।